आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जानने से पहले आपको एक्सेलरेशन के बारे में पता होना चाहिए। आई नो बहुत सारे लोगों को एक्सेलरेशन क्या होता है ये पता होगा, क्योंकि हमने इस बात को पहले ही कंफर्म कर लिया है, सीख लिया है मोशन वाले चैप्टर में। फिर भी मैं इसको दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, जिसको ना भी पता हो तो पता हो जाए। तो एक्सेलरेशन बच्चों क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। दैट मीन्स कि अगर ए एक्सलेशन है तो dv अपॉन dt, मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सलरेशन कहते हैं। राइट, मतलब कि टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज होना एक्सलरेशन कहलाता है। ठीक, तो ऐसे ही आप सभी को पता है कि जो हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टोन है और आपने इसको इस तरीके से ड्रॉप किया, तो ड्रॉप करेंगे ऑफ कोर्स ये नीचे की तरफ अट्रैक्ट होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। राइट, अब यहाँ पे जैसे आपने स्टोन को ड्रॉप करने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी? जीरो, क्योंकि आपने बस अभी स्टोन को पकड़ रखा है, तो वेलोसिटी जीरो होगी। जैसे ही आपने स्टोन को ड्रॉप किया तो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, दैट मीन्स कि इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन हो रही है। राइट, तो पहले जीरो था, बाद में कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन हुई होगी, वट एवर, और कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। दैट मीन्स कि आपने यहाँ पे देखा इस ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ वेलोसिटी में चेंज हुआ है टाइम के साथ। दैट मीन्स कि इस ऑब्जेक्ट में कोई ना कोई एक्सलरेशन आया है। यस और नो? एक्सलरेशन आया है, बट ये एक्सलरेशन किसकी वजह से आया है? क्योंकि देखिए, जो स्टोन को आपने बस ड्रॉप किया है, तो एक्सलरेशन अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण आया है, या कह लो कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के कारण इस ऑब्जेक्ट में या इस स्टोन में एक एक्सलरेशन आया है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम दिखाते हैं स्मॉल जी से, या दूसरे शब्दों में साफ सी बात बोलूँ, एक्सलेशन कॉज बाय द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन एज एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसे हमेशा याद रखिएगा, हमेशा हम इसको क्या दिखाते हैं? स्मॉल जी से दिखाते हैं। एक चीज़ और नोट करने वाली बात है, ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब जो अर्थ अट्रैक्शन फोर्स लगाती है ऑब्जेक्ट पे, उसी को हम लोग ग्रेविटी कह लें, या कह लें फोर्स ऑफ ग्रेविटी कह लें, या फिर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स कह लें, सारी बात एक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सलेशन आ रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। राइट, अर्थ फोर्स। राइट, आई होप आपके बात समझ में आ गई होगी कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है।